प्लीज आपका नाम बताइए। बिल्कुल भी डिलीट नहीं करूंगा मेरा नाम को। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम क्यों पूछा आप? अपना नाम अपना बताइए ना। मेरा चैनल देख लेना मेरा नाम। नाम बताओ पहले ना, अपना नाम बताओ। हाथ मत पकड़िए, बात करना है बात करिए ना आप। उस जुबेर हरामखोर का भी गला काट देना चाहिए जिसने देवी। सीधा सीधा बोल रहे हैं, गला काटने की बात आप कर। मैं कह रहा हूँ देखिए, जब मैंने इनसे सवाल करना शुरू किया तो किस तरीके से ये लोग चिल्लाने लगे, जय श्री राम के नारे लगाने लगे। बोलो जय श्री राम। मैं तो जय श्री राम क्यों, जय श्री राम बोलो, जय हिंदू नहीं। ये पकड़ो, ये देखिए किस तरीके से ये लोग जो है मुझे ही मेरा काम समझा रहे हैं। आप किसके लिए भाई साहब? 10,000 समाज के लिए काम कर रहे हैं कि मुल्लों के लिए काम? अच्छा नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के 12 खंबा रोड। जी हाँ, यहाँ पर जो है युवा संगठन, जो हिंदू युवा संगठन है, उसका बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग यहाँ बताए जा रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से सारे यहाँ पर, लड़की हो चाहे लड़के हो चाहे छोटी उम्र के बच्चे हो, सभी यहाँ मौजूद है। और यहाँ पे लगभग 10,000 के करीब लोग बताए जा रहे हैं। यहाँ पर जो महिलाएं मौजूद है जो यहाँ पर आई है, उन्हीं से उन लोगों से जानते, कहाँ से आई है आप लोग? हम सावन पार्क से, सावन पार्क, सावन पार्क से आई है। आपको मालूम है क्यों आई है यहाँ पर? इसलिए आए हैं, हमें कत्ल कर दिया था। इसलिए कत्ल कर दिया था? किसका कत्ल कर दिया था? अभी आगे तो मैं पता नहीं है, बता दें। आपको यही नहीं मालूम? आप समर्थन करने आई है तो आपको ये नहीं पता? एक का कर दिया था ना वहाँ पे, उसे कहाँ पे कत्ल हुआ? बंद कमरे में करा था ना, बंद कमरे में करके करा था। ये किसका बंद कमरे में करा था? इनसे पूछा आप? आपको नहीं मालूम? आप यहाँ पे समर्थन करने आई है, आपके हाथ में झंडा है, देवी देवताओं का सब अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान लिखा है, इसलिए देवी देवता को करने के लिए। क्या देवी देवता? क्या आपको दूसरे का इंसाफ इंसाफ मिलना चाहिए? तो देवी देवताओं के साथ क्या हो रहा है? गलत अत्याचार हो रहे हैं। कहाँ पे अत्याचार हो रहा है? किसके साथ अत्याचार? कराधाय के साथ। चलिए आपको मतलब मुद्दा मालूम ही नहीं है। देखिए यहाँ पर जो लोग आए, महिलाएं आई है, इन्हें मुद्दा ही नहीं पता, और भी लोगों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? आरती। कहाँ से आई? अशोक विहार। विहार से आई? क्या मामला है पता है? हाँ जी, हिंदू धर्म है एकता। हिंदू धर्म एकता? हाँ जी, एकता तो है हिंदू धर्म में, एकता है हम सब में, जभी तो आए हम बच्चों को छोड़। मुद्दा पता है आपको? मुद्दा क्या है यहाँ पे आने का? मुद्दा जय श्री राम। जय श्री राम मुद्दा है? मुद्दा जय श्री राम है, इतना ही बात है। बिल्कुल जय श्री राम है ना। मुद्दा यहाँ पे क्या था आपको मालूम है? क्यों आए हैं सभी लोग? बिल्कुल मालूम है, बिल्कुल मालूम है। हम इन्हीं के साथ हैं कि संविधान के लिए आए हैं। हाँ बताइए क्या मुद्दा है? मुद्दा ये है कि हम संविधान की रक्षा चाहते हैं, हम संविधान के साथ खड़े, और हम चाहते हैं कि संविधान ही से सारे लोग चलें। कोई विशेष समुदाय के लिए कोई अलग कानून नहीं है, जो कानून है वो एक है, भारत का कानून एक है, हम सब एक हैं, हम सब पहले भारतीय और उसके बाद में कोई भी। किस नाम है समुदाय का? मेरा नाम मीनू दीवान। मैं नारायणा विहार। तो ये हिंदू एकता तो एकता एक ही है, मगर संविधान की आप लोग बात करते हैं, लेकिन संविधान को भी तोड़ने वाले आप ही लोग हिंदू लोग होते हैं। आप कहती हैं कि हम संविधान को तोड़ने वाले हिंदू लोग होते हैं। मैडम मेरे को ये बताइए, जिन्होंने उदयपुर में किसी का गला काटा क्या वो हिंदू थे? जिन्होंने कश्मीर में अपने पड़ोसियों को मारा क्या वो हिंदू थे? बताइए जवाब। मुस्लिम थे, लेकिन उनकी जो तस्वीरें वायरल हो रही है लगातार, जो खुलासे हो रहे हैं, वो भी आपको मालूम होगा कि वो कहाँ से और किसके साथ थे। नहीं मैडम, ये देखिए, ये तो आप ना किसी को आइडेंटिफाई करके किसी पर्टिकुलर समुदाय के, मैं नहीं कह रही हूँ, पूरी दुनिया में पूरे देश में वायरल हो रही है तस्वीरें। नहीं नहीं मैडम, पूरा सोशल मीडिया ट्रेंड कर रहा है। मैडम ट्रेंड किसने चलाया था? वो भी तो कोई थे ना, किसी भी समुदाय के थे ना जिन्होंने ट्रेंड चलाया था। मैडम किसने बनाया था? मैडम वो वीडियो जो उदयपुर की किलिंग के बाद में हुआ था लाइव, उसे चलाया किसने? उस हत्याकांड की हम भी भर्त्सना करते हैं, मैडम बहुत गलत हुआ है, वाकई में वो इंसान नहीं हो सकते, हैवान लोग हैं बिल्कुल। लेकिन उन हैवानों की तस्वीरें भाजपा के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उनके साथ माला पहनाते हुए, मैडम गले में हाथ डाल। मैडम मेरे साथ में अब इतने सारे लोग खड़े हैं, अब इस समुदाय के बीच में किसी भी समुदाय का आकर के खड़ा हो जाए और उसके बाद में बोले कि मैं तो आपके साथ था या मैं तो आपके साथ था, ऐसा नहीं होता। नहीं, वो उनके खुद भाजपा का कार्यकर्ता था,
आपको आपको भी ये समझना पड़ेगा, कई लोगों को हम लोग एम्प्लॉय करते हैं, कई लोग हमारे पास आके काम करते हैं, कई लोग हमारे समुदाय से जुड़ते हैं, किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कि उसकी मंशा क्या है, वो किस मंशा से अंदर घुसा, इसकी खुलासा हम नहीं कर सकते। लेकिन जो लश्कर तैयबा का है उसका भी खुलासा हुआ है मैम, ये इस बार भाजपा के साथ मैम, ये भाजपा के साथ निकले या नहीं निकले मैडम, ये तो जो कानून है ये उसका मौजूद होने का क्या मसला है, मौजूद यहाँ पर इकट्ठा होने का क्या मसला है? मौजूद होने का एक ही मसला है कि हम चाहते हैं कि जो कुछ भी हो हम लोग सब कानून के साथ चले, कानून की व्यवस्था में चले, और कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। ये मेरा भाई आसिफ खान, आसिफ खान हमारे साथ में इसी वजह से जुड़ा हुआ है। आसिफ खान भी मेरे साथ, क्या नाम है आप? आसिफ खान। अधिवक्ता परिषद का अखिल भारतीय, क्यों आप लोग जो है यहाँ पर आज मौजूद हैं, क्यों इतनी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा? मैम ऐसा है कि उदयपुर की जो घटना हुई थी, जो निर्मम हत्या हुई कन्हैया लाल जी की, उसके लिए एक संकल्प यात्रा है, ये संविधान संकल्प यात्रा है, किसी हिंदू या मुस्लिम की संकल्प यात्रा नहीं है, ये संविधान संकल्प यात्रा है। संविधान को तोड़ने वाले जो आप हम ही लोग होते हैं, संविधान को तो मानते ही नहीं। बिल्कुल मैं ये मानता हूँ कि संविधान को तोड़ने वाले आप और हम ही लोग होते हैं। आपका नाम पूजा है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ आपको, और पिछले दिनों भी मैंने कई बार आपके इंटरव्यू देखे हैं इस तरीके के, ठीक है ना। लेकिन समय समय पे जिस तरीके से हम लोग अपने आप को मोड़ते हैं, वो ये आपको देखना पड़ेगा कि ये देश जिस तरीके से भी है, मैं किसी विचारधारा या उस तरीके से समर्थन नहीं करता, लेकिन हाँ जब भी बात आती है देश की, मैं एक मुस्लिम हूँ तो मैं हमेशा आगे आगे बात करता हूँ कि यार होना चाहिए इस तरीके की बात। मुस्लिम युवक निकले हैं वो तो भाजपा के साथ के निकले हैं, उनकी तस्वीरें निकली हैं, उस पर क्या? भाजपा के साथ होना या ना होना, आप एक बड़ी पत्रकार हैं, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी, मैं फॉलो करता हूँ आपको, लेकिन इस बात को आप मानिए कि वो अभी भाजपा के साबित नहीं हुए, अभी सिर्फ खड़े हुए हैं उनके साथ, है ना, सोशल मीडिया का एक अपना प्रोपेगेंडा है। एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, लश्कर ए तैयबा के हमले करने वाले युवक जो निकले हैं वो भाजपा के आईटी सेल का चीफ था, और वही जो नवनीत राणा के साथ निकला है वो भी प्रचार प्रसार में शामिल रहा, जो वहाँ पे हुआ है अमरावती में। मैम ऐसा है कि खुलासे भी चल रहे हैं लगातार, कई चैनलों पे, कई मीडिया, मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ, लगातार मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे उस चीज़ को वायरल किया जा रहा है कि वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं। और पहली बात तो ये कि मैं किसी पार्टी विशेष के लिए ना बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा है, अभी एक संकल्प यात्रा है, चाहे या हिंदू, इसका संकल्प लिया जा रहा है। मैम ये संकल्प इस बात का लिया जा रहा है कि जो जिहादी संगठन है, तालिबानी संगठन है, उन चीज़ों के लिए हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं, उसका पुरजोर विरोध करते हैं, समर्थन नहीं करते हैं उस तरीके की। तालिबान का तो किसी का भी जो है निकल के आया नहीं है भाई साहब। मैम ऐसा है कि तालिबान का निकल के नहीं आया, लेकिन अगर आप पुराने तालिबान को देखें और तालिबान की सोच को देखें तो बिल्कुल वैसा ही एक प्रोपेगेंडा ये चलाया जा रहा है। देखिए इस्लाम का हर एक बंदा तो बुरा नहीं हो सकता ना, कुछ लोग तो अच्छे भी हैं, जो अच्छे जुड़े भी हैं, देश में काम भी कर रहे हैं, और मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर अब तक का जो मेरा जो भी काम रहा है वो मैं खूब इस देश में काम कर रहा हूँ, मुझे किसी भी तरीके की रोक टोक या उस तरीके का सामना नहीं करना पड़ा। मैं इस्लाम से हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी हिंदू संगठन ने या किसी हिंदू आदि शिक्षक ने मुझे रोकने की कोशिश की हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ, तो सब कुछ ठीक चल रहा है। जब देश में हमारे लिए सब ठीक चल रहा है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसके लिए अपोजिशन जो। अच्छा, अभी इस पर क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर इतनी तादाद में आप लोग मौजूद हैं, सड़कें पूरी जो यातायात को जो है प्रभावित कर दिया, पूरी सड़कें जाम है, लेकिन और कोई संगठन होता है उनको परमिशन नहीं मिलती है, यहाँ पर आप लोगों को मिल गई है। मैम पिछले ही दिनों पसमांदा हिंदू मुस्लिम मंच है, उन्होंने ये कार्यक्रम किया था, आप शायद रिसर्च पहली बार नहीं करके आई हैं, आप रिसर्च करके आइए, पसमांदा हिंदू मुस्लिम मंच को भी यहाँ परमिशन दी गई थी, बोलने की आज़ादी दी गई थी। और देखिए ऐसा है कि समय समय पर इस बात को हमेशा ये फैला देना कि नहीं हिंदूवादी है तो उनको परमिशन दी जा रही है, उनको नहीं मिल रही है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं है, आप रिसर्च करो। फैला ये आप लोग जैसे लोग फैला रहे हैं, अभी आपने बोला कि नहीं मिला, बिल्कुल मिलती नहीं है, सामने लाठियां डंडे चल जाते। मैम कैसी बात कर रहे हो, मैं पिछले दिनों भी सीट कर ले जाया जाता है युवाओं को, मुस्लिम अभी मंच पे आया था, वहाँ भी मैंने खुद ये किया है, कैंडल मार्च किए है हमने, और यहाँ मिलती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है, वो ये सोच है शायद आपकी। लोकतंत्र सेनानी संघ के साथ भी हूँ, हम लोग ने भी कई बारी अपने अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए परमिशन लेने की कोशिश करी, देने के बाद कई बारी पुलिस परमिशन कैंसिल कर देती है, तो इसमें तो कोई नई बात है ही नहीं, इसके ऊपर क्यों हम विशेष रूप से ध्यान दें कि नहीं ये नहीं, वही युवा अगर करते हैं तो वही लाठी डंडे चल जाते हैं बुरी तरह से जी। अब ये देख लीजिए, डंडा फैला झंडा फहरा रहे हैं या किसी को डंडा मार रहे हैं, सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से झंडा फहराया जा रहा है, और पूरा कर्तव्य दिखाते हुए जो है
युवा वाहिनी का जो है झंडा फहराया जा रहा है, किसी को इधर उधर देखा नहीं जा रहा है, किसके डंडा पड़ेगा किसके नहीं पड़ेगा आप सामने देख सकते हैं। किस तरीके से सभी लोग यहाँ पर जो है भारी तादाद में यहाँ मौजूद है और यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अभी और भी लोगों से जानते हैं। चलिए यहाँ पे जो है बहुत देखिए तादाद में जो है छोटे छोटे युवा भी आए हुए हैं। किस लिए आए भाई? हम यहाँ पे रैली में आए हैं और अपने देश के जो मतलब हमारे देश का वो क्या कहते हैं इसको समर्थक सबके साथ रहना चाहिए और हमारा हिंदू धर्म आगे बढ़ना चाहिए। हिंदू धर्म तो आगे बढ़ ही रहा है और समर्थन भी है। हाँ तो मुद्दा क्या है ये बताइए, क्या उम्र है आपकी? 14 साल की। हाँ, क्या नाम है? मनीष नाम है मेरा। मनीष, यहाँ पर आप आए हो, आपको मालूम है कि 14 साल के हो आप? कितने साल के? मैं 12 साल का। 12 साल के हो आप, तो आप लोग जो है इधर सुनिए ना, क्या क्या मुद्दा है, क्या कुछ है पता है आप? हाँ, मेरे चाचा जी को। स्कूल जाते हैं कि नहीं? हाँ, स्कूल जाते हैं हम। आज स्कूल की छुट्टी मारी है क्या? नहीं, छुट्टी है स्कूल की आज, सेकंड सैटरडे, इसलिए सोचा कि आज चलो मौसम अच्छा है। हाँ हाँ, छुट्टी का चीज है तो देश के लिए। इधर आओ। कितना साल की उम्र है तुम्हारी? 12। अच्छा, 12 साल की। क्या नाम है? मयंक। मयंक है, और तुम्हारा नाम क्या था? मनीष। मनीष है, और आपका नाम? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, ये देखिए 14, 15 और 12 साल के बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप अंदाजा लगाइए कि वाकई में हिंदू जाग रहा है और हिंदू को जगाने की जो है कोशिश नहीं करनी चाहिए, हिंदू जाग चुका है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, शायद छुट्टी मनाने आए हैं। यहाँ पर लगातार जो महिलाएं हैं बहुत दूर दूर से पहुंची हुई है, लगातार और भी संगठन के लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, आप सामने देख सकते हैं हाथों में झंडे हैं फहराए जा रहे हैं। लगातार यहाँ पर युवा वाहिनी के, हिंदू युवा वाहिनी के भी जो है झंडे हैं यहाँ सामने जो है सभी लोग मौजूद हैं। कितने तादाद में यहाँ पे जनसंख्या जो लगभग बताई जा रही है, कम से कम जो जनसंख्या है 10 लाख के लगभग बताई जा रही थी। जी हाँ, यहाँ पर लगातार इतना लोग आप देख सकते हैं सामने कितने हैं और कितना लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हिंदू जो है वो जागा नहीं है, हिंदू एकता के लिए यहाँ पर सब मौजूद हैं। मैंने कुछ लोगों से बात भी की तो शायद कुछ लोगों को मुद्दा नहीं पता था, मगर यहाँ पर पहुँच चुके हैं अभी जो है। पिताजी धर्मवीर, बोलना चाहते हैं तो बोलिए ना। बताओ क्या बोलना है, किस लिए आए हैं, क्या हुआ है? मैम, कन्हैया की जो हत्या हुई है, हम तो उसके इंसाफ के लिए आए हैं। किसके? कन्हैया जी। कौन कन्हैया? जयपुर में जिसकी हत्या करी है। जयपुर? हाँ, दो मुसलमान जयपुर में हुआ है। हाँ जी, राजस्थान में उदयपुर। हाँ, तो यही नहीं पता है भाई साहब, क्या जयपुर में हुआ है, उदयपुर में हुआ है, कहीं भी हुआ है, मगर न्यूज में देखा है उसके साथ, हिंदुओं के साथ। न्यूज चैनल जी न्यूज भी देखते हैं, आज तक भी देखते हैं, सब देखते हैं, और ये आपका भी देखते हैं मैम। जी न्यूज देखते हो? हाँ जी। हाँ जी मैम, जी न्यूज इतना अच्छा डीएनए करता है और आप फिर भी मेरा चैनल देख रहे हैं। मैम वो क्या कह रहा है, मैं आपको, मैं इसको लाइक करता हूँ आपके चैनल को, इसलिए मैंने बोला। अच्छा, आप देखते हैं? क्या नाम? जानिए, सूरज सासी। सूरज सासी जी, तो क्या मतलब मसला है जो इतने लाख लोगों में यहाँ पर, मतलब हजार में जनसंख्या? हमारी जो हमारे जो है जो हमारा जो चल रहा है, हमारे जो मोदी योगी है बहुत अच्छे है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे हमारे हिंदू धर्म के लिए, बहुत अच्छे है हिंदू धर्म के लिए, अच्छे मुस्लिमों के लिए नहीं, वो करेंगे तो मुस्लिम तो कर रहे हैं संख्या में, पैदा कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं 300 रुपए दिहाड़ी में काम कर रहे हैं, जब भी 10-10 लड़के पैदा कर रहे हैं। क्या पैदा करे? हिंदू नहीं पैदा करे? पैदा करे नहीं भाई साहब, एक बात ना, 10 लड़के मुसलमान काम करते हैं आज भी, और मेरे एक मेरी एक बेटी है और मेरा 2 बेटे है। अच्छा, तो जो ये बच्चे पैदा कर रहे हैं तो सिर्फ मुस्लिम कर रहे हैं? तो मुस्लिम कर रहे हैं, संख्या बढ़ा रहे हैं, और फिर कहेंगे हमें, फिर हमारे मुस्लिम। मैं आपको एक बात बताऊं, यही हिंदू युवा संगठन संसद मार्ग जब लगा था तो वहाँ पर जो है हिंदू युवाओं में से जो सत्संग थी भगवाधारी, जो उन्होंने ये कहा कि हिंदुओं को 6-6 से 10-10 बच्चे पैदा करने चाहिए और उन्हें हिंदू युवा वाहिनी में जो है भेजना चाहिए, उन्हें हिंदू बनाना है, हमारी हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। तो वो क्या है, हिंदू ही है? हिंदू सही बात है, कमी हो भाई। आपका नाम क्या है? प्लीज आपका नाम बताइए। बिल्कुल भी डिलीट नहीं करूँ, मेरा नाम पूछा। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम क्यों पूछा आप? अपना नाम, अपना बताइए ना, मेरा चैनल देख लेना, मेरा नाम नाम बताओ पहले ना, अपना नाम बताओ, अपना नाम बताओ पहले, खाली नाम पूछा है, क्या करना है? पूजा हिंदू नहीं है? हाँ हिंदू हूँ, बिल्कुल। बात करो, आप बात करो, बिल्कुल। ये देश का मतलब कि हिंदू है मुस्लिम है, कौन सा देश है ये आप बताइए ना? आपको नहीं पता? आप बताइए। मुझे तो पता है, भारत एक है। नहीं नहीं, ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता एक है, सेकुलर कंट्री। आपको नहीं मालूम शायद? सेकुलर कंट्री, यस। कैसे? पढ़ लो आप। कहाँ पढ़ लूँ? किताबें होगी, न्यूज़। आपने पढ़ा है? बात करो, बात को सुनो। हाथ मत पकड़िए, बात करना है बात करिए ना आप। बिल्कुल, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
1976 तक, 1976 तक जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी ना, तब तक देश में सेकुलर नाम का कोई शब्द ही नहीं था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा, इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी के टाइम पर 1976 में सेकुलर तीन शब्द जोड़े गए संविधान की उद्देशिका में। वो संविधान की उद्देशिका कहते हैं ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनी रिजॉल्व टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सेकुलर सोलिस्ट सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इतना लंबा मत बता, मैं वही बता रहा हूँ। तो ये जो तीन शब्द हैं ये कांग्रेस के टाइम की देन है। उससे पहले जो बंटवारा था, जो जिन्ना ने उस टाइम एक्शन उसका नारा दिया था, डू और डाई का, डायरेक्ट एक्शन प्लान का नारा दिया था 1942 में, अगस्त में, 8 अगस्त 1942। इतना इतिहास मत बताइए भाई साहब, इतिहास मैंने भी पढ़ा। नहीं नहीं, आप इनसे बात कर रहे हो ना, आप इनसे बात कर रहे हो। एक मिनट, इधर 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 भाई साहब, मुंह की छुपा रहे, बोल लीजिए। मैंने बात की, इन्होंने बोला कि जो मुस्लिम है वो बच्चे पैदा कर रहे हैं, उन्होंने बोला बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो उसके बाद मैंने इनसे पूछा, जो जो संसद भवन संस्थे हैं हिंदुओं के, वहाँ तो खुद वो भगवान जो पहनकर बैठी थी, उन्होंने खुद बोला कि हिंदुओं को बच्चे जो है ज्यादा तादाद में पैदा करने चाहिए, ताकि हिंदू जो जनसंख्या बढ़े। नहीं देखो, ये चीज तो फिर ये संसद मार्ग में तो खुद बोला है आपके, आप ही के लोगों ने जो है खुद बोला है संसद में। संसदें सजी थी ये भाई साहब का कहना है कि मुस्लिम जो है बच्चे पैदा कर रहे हैं और बहुत तादाद में बच्चे पैदा कर रहे हैं, लेकिन आप ही के हिंदू संगठन के भाई साहब, मेरे से बात मत पूछिए, मैं सवाल आपसे कर रही हूँ, है ना। तो ये कह रहे हैं कि मैंने वही सवाल किया कि हिंदू संसद जब सजी थी तो वहाँ पर जो है उन्होंने कहा था कि हिंदुओं को अच्छी सी तादाद में 6 से 7 बच्चे पैदा करने चाहिए, ताकि हिंदू जनसंख्या बढ़े। देखिए, मुस्लिम ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ये आपको भी मालूम है, ये पूरे भारत को मालूम है कि ज्यादा जनसंख्या वही पैदा करती है। सब संसद मार्ग में बोला गया है कि हिंदू सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करें, उस पर क्या टिप्पणी है? बोला गया है हिंदू संसद मार्ग सजी है, अब एक्टिव नहीं रहते, एक्टिव नहीं रहते हिंदुओं के, एक एक के कितने बच्चे हैं फिर भाई, मुसलमानों को क्यों रोक रहे हैं? तो क्यों? अच्छा मेरी बात सुनो, बंटवारा नहीं हुआ, बंटवारा नहीं हुआ, बंटवारा नहीं हुआ, 20% संख्या थी उनकी, जब भी उनको पाकिस्तान दिया हमने। अब मैं कह रहा हूँ सारा बंटवारा, सब छोड़ दो, हिंदू 18 बच्चे पैदा करते हैं, हम सो करें हिंदू संसद मार्ग, एक संसद सजी है उसमें बोला गया। बोलने को तो सुप्रीम कोर्ट का जज जो कांग्रेस का पूर्व विधायक है वो भी कह रहा है कि नूपुर शर्मा गलत है। अच्छा। फिर मगर नहीं, जिसकी अच्छा। सोच सेकुलरिज्म है, जिसकी सोच बेकार जिहादियों वाली है, वो तो बोलेगा ही बोलेगा। हम क्या है अब जो है, आपने एक मिनट, कल का जो है फैसला सुना, कोर्ट के जो एक पूर्व जस्टिस थे उन्होंने जो है मोहम्मद जुबैर को जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद जो उनको पकड़ा गया है बजरंग मुनि, बजरंग मुनि की बात कर रही हूँ, बजरंग मुनि ने जो बोला था मारने काटने और रेप की बात कर रही थी बजरंग मुनि ने, उसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। तो उसके लिए जो जज है माननीय शब्द उन्होंने उनको जेल पहुंचाया बजरंग मुनि जी। पहली बात तो कन्हैया का गला काटा, किस लिए काटा था? पैगंबर खिलाफ बोलने पे, इसलिए काटा था ना। उस जुबेर हराम खोर का भी गला काट देना चाहिए जिसने देवी से सीधा सीधा बोल रहे हैं, गला काटने की बात आप कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ तुम काटो हिंदुओं के, हम बोले भी नहीं। अच्छा, उदयपुर में जो हत्याकांड हुआ जो उसके पीछे, हम बोल भी नहीं रहे, इनसे हमारी सरकारें डरी हुई हैं, पुलिस डरा है, कोर्ट डरा है, हिंदू तो बाद में डरा है। सबसे पहले कौन डरा है? आपके हक में हो रहा है, हमारे हित में हो क्या रहा है? अगर हमारे हित में होता तो हिंदू राष्ट्र होता, हमारे हित में होता एफआईआर के तहत जो है गिरफ्तार किया गया। नागरिकता कानून सबसे पहले, बच्चे कम पैदा करने का कानून सबसे पहले, भारत में हिंदू राष्ट्र सबसे पहले। एक भी जिहादियों ने जो ये गला काटने की हरकत की है, इनको भी गोली मारने का सबसे पहले उनका जो साथ है वो भाजपा के साथ निकल रहा है, उस पर क्या कहेंगे? लश्कर-ए-तैयबा जो है
लश्कर ए तैयबा का जो मुस्लिम निकल रहा है चीफ निकला है आईटी सेल का, भाजपा के आईटी सेल का चीफ निकला लश्कर ए तैयबा का। एक सेकंड पहले नहीं, एक सेकंड मैं बीजेपी हूँ, कल को बीजेपी था, मैं जाके राहुल गांधी से फोटो खिंचवा लेता हूँ। कांग्रेसी मैं कांग्रेसी था, आज मैं कट्टर मोदी हूँ, कट्टर हिंदू हूँ, मैं मुसलमानों के साथ दे रहा हूँ। देखिए जब मैंने इनसे सवाल करना शुरू किया तो किस तरीके से ये लोग चिल्लाने लगे, जय श्री राम के नारे लगाने लगे, लेकिन जवाब तो बना नहीं किसी से, लेकिन चिल्ला चिल्ला के जो है जय श्री राम के नारे लगा लेते हैं ये लोग, लगातार जो है मुझे घेरने लगते हैं ये लोग जो है। क्या कहना चाहते? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं मुसलमान होकर भी हिंदू का इतना साथ देता हूँ, इनसे अच्छा कोई होता ही नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, साथ एकता बननी चाहिए इसे। जो है वही है। क्या नाम है? अच्छा, मेरा नाम जानने का ना, मुद्दे की बात करूँ। क्या हूँ मैं? आपकी एज क्या? आपकी एज मुझसे ही सवाल करो तो मैं तो सबसे करता हूँ। उम्र सेकुलर कंट्री है, सवाल करो भाई। उम्र क्या है? मेरा नाम अभिषेक हुआ, आपको अपने रिपोर्ट से लेना देना है भाई। उम्र नहीं नहीं, नहीं नहीं, जो चीज कन्हैया लाल के साथ हुआ वो चीज अगर आपके फैमिली में किसी के साथ भाई साहब बहुत समर्थन करते हैं। मैंने तो कन्हैया लाल का कोई समर्थन किया ही नहीं, बहुत गलत किया है। आप जिस तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं, जिस तरह से हैवानों को वाकई में टिप्पणी कर रही है, ये सरासर गलत है। साथ में खड़ा आपके किस लिए? सिर्फ इसी चक्कर में जो साथ है। अरे हमने तो एक गाता सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमारा भाई है, मुसलमान है। अभी देखिए किस तरीके से मैं जब मुद्दे की बातों पे आती हूँ तो ये लोग जो है कैसे घेरने लगते हैं। ये हमारा मुसलमान भाई है। भाई अपना नाम बताओ। मेरा नाम मोहम्मद भाई। तो आप देखो बहुत अच्छी बात है, हिंदू धर्म पहले था, सबसे पहले हिंदू धर्म था, बाद में दो डंडे लगने के बाद मुसलमान हिंदू। आपके नाम पूछे ना भाई साहब, आपके मन में सवाल है, क्यों नहीं आते? बता बता, आप बोलो जय श्री राम। मैं तो जय श्री राम क्यों, जय श्री राम, जय श्री राम। भाई साहब मैं तो काम चैनल का कर रही हूँ, मैं किसी को नारे लगाऊं? ठीक है, मैं काम कर रही हूँ, मैं कोई नारे लगाने नहीं आई हूँ। नारे लगा क्या? मैं हिंदू नहीं हूँ, हिंदू नहीं। जय श्री राम बोलो, जय हिंदू। ये पकड़ो, ये देखिए किस तरीके से ये लोग जो है मुझे ही मेरा काम समझा रहे हैं, क्योंकि मैं एक रिपोर्टर हूँ, मेरा काम है आपको खबर दिखाना, आप तक खबर पहुँचाना, लेकिन ये लोग है तो जो है मेरे से ही नारे लगाने की बात कर रहे हैं। सोचिए जब मैं इनसे सवाल करती हूँ तो ये लोग। आप भी मोमडन हो? मेरा नाम पूजा है। पूजा तो आप ही तो सपोर्ट कर रहे हो, मैं मोमडन हो के सपोर्ट कर रहा हूँ। नाम जानता हूँ मैं, पूजा नाम जानता हूँ मेरा नाम, मुझे यस जानता हूँ, देखते हो मेरा चैनल, टीवी में रोज देखता हूँ। अब देखिए आप लोग ये किस तरीके से जो है लगातार जब मैं इनसे सवाल कर रही हूँ तो इनके पास जवाब नहीं मिलता है और जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं और मुझे ही जो है जय श्री राम के नारे लगाने के लिए मजबूर करने लगते हैं। सोचिए मेरे मेरे ही जिस तरीके, हाँ ये दिखाओ ना भाई साहब, क्या बोल रहे हैं दिखाओ ना, दिखाओ ना, ये देख सकते हैं आप किस तरीके से मेरे पूजा खान के नाम के नारे लगा रहे हैं ये लोग। मैं क्या हिंदू रही हूँ? सोचिए ये लोग लगातार जो है मेरे ऊपर ही हावी हो जा रहे हैं। अगर मैं सवाल जवाब कर रही हूँ तो सवाल जवाबों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो है ये नारे लगाने लगते हैं और मेरा काम एक रिपोर्ट दिखाना है, खबर दिखाना है, लेकिन ये लोग मुझे कहते हैं कि आप लोग आप नारे लगाइए कैमरे के सामने। अब ये बताइए कि किस तरीके से ये लोग जो है बातें करते हैं, किस तरीके से ये लोग घेरते हैं। जब मैं इनसे बातें करती हूँ, कुछ सवाल पूछती हूँ तो ये सवाल का जवाब नहीं देते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तादाद में यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, लगातार यहाँ पर जो है कितनी तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं। जो जिस तरीके से उदयपुर का हत्याकांड हुआ, जिस तरीके से अमरावती का हत्याकांड हुआ, जिस तरीके से लश्कर ए तैयबा के जो आरोपी पकड़े गए, लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं करना चाहता। क्या बताएं? 3 लाख संख्या है आज की यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे। हाँ जी, 3 लाख है। आप कितने देर पहले आए हो यहाँ? भाई सब मेरे से सवाल नहीं नहीं, आप कितने देर पहले, आप जो 10,000 संख्या गलत बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं? आप किसके लिए भाई साहब 10,000 आवाज के लिए काम कर रहे हैं कि मुल्लों के लिए काम? अच्छा, मुल्लों के लिए काम कर रहे हैं? मैं मुल्लों के लिए? यहाँ किसी से पूछ लीजिए आप, ये कितनी जनसंख्या है? अच्छा आप ही बताइए कितनी जनसंख्या? कम से कम यहाँ 2 लाख जनसंख्या आई थी। 2 लाख? हाँ आई थी। अब आप जाने के बाद से संख्या नहीं गिन सकते, इतनी 2 लाख की जनसंख्या ये बता रहे हैं, तो आप भी मान लीजिए कि 2 लाख की जनसंख्या है। लेकिन जब यही ये संगठन के लोग जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं या किस तरीके से यहाँ
इतनी तादाद में लोग जुटते हैं तो कैसे पूरा यातायात प्रभावित हो जाता है, आपने देख लिया है। और किस तरीके से ये लोग जो है यातायात को प्रभावित करते हैं, वही कोई और संगठन के लोग जब करते हैं तो उन पर लाठियां बरस जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ये लोगों की तादाद में आप जनसंख्या में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लोग नारेबाजी कर रहे थे और मुझे भी मजबूर करने लगे। अब आप सामने देख सकते हैं कितने सारे तादाद में यहाँ लोग हैं, मौजूद हैं, और मैं भी यहीं मौजूद हूँ। लगातार अभी भी जो है यहाँ पर इस तरीके से हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं कुछ नाराज़ भी हो रहे हैं। मेरा काम है सवाल करना, लेकिन सवालों से शायद डरते हैं ये लोग। इसी तरह से आप देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ, मैं पूजा, दिल्ली।